शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार तृतीया तिथि आज लगी रहेगी। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिनके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सुखी, शांत प्रकृति वाले, भाग्यशाली और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार, दूसरों से प्रेम करने वाले, संवेदनशील, आशावादी और न्यायप्रिय होते हैं। ये खर्चीले स्वभाव वाले, आधुनिक उपकरणों और वस्तुओं के संग्रह करने वाले, घनिष्ठ मित्रों से युक्त, कला व संगीत के प्रेमी और शीघ्र सफलता प्राप्त करने के इच्छुक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज भी शनि और चंद्रमा की युति धनु राशि में विष योग के रूप में बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। इसलिए जिन जिन जातकों के चंद्रमा कारक ग्रह होंगे, ऐसे जातक मानसिक रूप से प्रभावित होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ेगी, व्यावसायिक दायित्व की पूर्ति होगी और कार्य क्षेत्र में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर सुख शांति में कमी महसूस होगी। विवेचनात्मक कार्यों में पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता और मानसिक उतार चढ़ाव संभावित है। शनि चंद्रमा की युति मानसिक बल में कमी का संकेत देती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं। वृष राशि के जातकों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में उसका निवेश अपने बुद्धि कौशल से लाभदायक सिद्ध होगा, मगर कुछ कामों में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आप साहस और धैर्य के साथ उसका निपटारा भी समय रहते कर लेंगे। योजनाओं में विवाद की स्थिति या रुकावट संभावित है। निजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अपने प्रयास जारी रखें। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। निजी संबंधों की अनदेखी ना करें। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलेंगे, मगर यदि सक्रियता बरकरार रही तो कुछ योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी लाभ की संभावना बनती है, मगर गति धीमी रहेगी। निजी व रिश्तेदारों के बीच तनावपूर्ण स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को खुशी महसूस होगी। हर काम आसानी से संपन्न होगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते जाएंगे। अधिकारियों का सहयोग और सान्निध्य बरकरार रहेगा और सकारात्मक प्रेरणा मिलती जाएगी, मगर मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। वाद विवाद को टालना उचित होगा। आर्थिक लाभ मिलता जाएगा और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें। संतान के प्रति चिंता का माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के जातक अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। पेट संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आपकी ऊर्जा स्तर और सक्रियता बनी रहेगी, मगर आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। बुधादित्य योग दशम भाव में बना हुआ है। नई कार्य योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए कई नए अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में निवेश का योग बना हुआ है, जो कि लाभदायक होगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और आपका बुद्धि कौशल लाभदायक क्षेत्र में ले जाएगा। मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वैवाहिक योजनाएं फलीभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा।
सांसों से और पेट से संबंधित जटिलताएं संभावित हैं। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, भाग्यवश काम अच्छे होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष में सहोदरों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है, रुके हुए या विवादित मामले भी सुलझ सकते हैं। उचित समय का इंतजार करें और पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, मगर नकारात्मक सोच संभावित है। शनि चंद्रमा की युति वाणी भाव में है, नकारात्मक सोच के प्रति प्रेरणा पहले मिलेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु राशि के जातकों की शारीरिक ऊर्जा और मानसिक सक्रियता बनी रहेगी और दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से हर काम पूरे होंगे। वाणी में मधुरता कायम रखें। नवीन कार्य योजनाओं में स्थिरता बनी रहेगी, मगर कुछ कामों में रुकावट या अड़चने संभावित हैं। मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मगर विभागीय मामलों में सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। मानसिक उत्तेजना और अंतर्द्वंद आज के दिन ज्यादा रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अपव्यय का संकेत मिलता है। हालांकि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम आवश्यक है। पारिवारिक तालमेल में कमी और निजी संबंधों में तनाव महसूस होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने का समय हो चुका है। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, धार्मिक भावना बलवती रहेगी, सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों को आज के लिए मानसिक चिंता और मन का अंतर्द्वंद हावी रहेगा। अपनी योजनाओं के निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। उत्साह और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू करें, संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। हालांकि आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा और आपके आवश्यक काम रुकने नहीं पाएंगे। निजी संबंधों में ध्यान रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।